ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये मामला क्या था, ये माजरा क्या था, ये किस्सा क्या था? जिड़े खंडरात, ओंठ सूखे हुए, रंग पीले जर्द, आंखों के नीचे हल्के, मुंह टूटे हुए, हड्डियां मुंह की बाहर आ रही है, क्या हो रहा है? ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है सर। इन ननों को मशवरा दियो, ये रोए हैं। मैं जाफिक साहब की जो शाइनिंग है फारिग होगी, अंदाजा लगाए कि इन बेचारों के पे वक्त कौन सा। मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि इन्होंने स्क्रीन के अंदर से ऐसे करके छलांग मारे भाई। अस्सलाम वालेकुम जी, ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। पगा जी, रात को लाइव देखा है? सर लाइव देखा और लाइव देख के अभी तक सोच रहा हूँ कि ये हुआ क्या, ये हुआ क्या, ये मामला क्या था, ये माजरा क्या था, ये किस्सा क्या था? सर उजड़े खंडरात, ओंठ सूखे हुए, रंग पीले जर्द, आंखों के नीचे हल्के, मुंह टूटे हुए, हड्डियां मुंह की बाहर आ रही है, क्या हो यार? बालू की हालत देखें, मुझे तरस आ गया, मुझे तरस आ गया। मैं ये इबरत थी, इबरत इसलिए थी कि आप किसी का साथ देंगे तो आपको क्या होगा, जब आप किसी दो नंबरी का साथ देंगे। दो नंबरी देखिए, वो फरमाते तारिक जमील साहब, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। तो मुझे महसूस हुआ ऑडियंस बड़ी सियाणी है, इन ननों को मशवरा दियो, ये रोए एक बार। आपकी बनती है, आप मशवरा दे, मुखातिब करें, सब मुखातिब करें। मैं कई दफा इन्हें मुखातिब करता, किसी तरह रोए। रोने के क्या तरीके होते हैं? रोने के तरीके आप क्या कर सकते हैं, दीवार पे टकरे या गूगल से सर्च करें हाउ टू क्राई। इसके इनके लिए मशवरा बेहतर यह है कि हाउ टू क्राई करें और गूगल पर जाकर सर्च करें कि जी रोना कैसे है, और एक बार मुझे बताएं, मुझे कल का फैशन जो था आपने उससे क्या सीखा? अहले इल्म लोग बैठे हुए थे, इंटेलेक्चुअल थे, उनसे आपने क्या सीखा? मैंने पे दबंग जाफरी साहब जिनका किसी दौर में बड़ा टैका था, काला चश्मा, मेहरान गड्डी, वो जाफरी साहब करते थे, लोग सुनते थे, जहाँ जाफरी साहब खड़े होते थे लाइन वहां से शुरू होती थी। जाफरी साहब समझते थे कि उनके जेरे साया ये दुनिया का दुनिया का है, ठीक है। वो लॉर्ड मकाले के इंटेलेक्ट को मैच करते, बिल्कुल पाकिस्तानी जुडिशरी का अजीम स्तूप। वो जाफरी साहब मुंह पे गिला तौलिया मार के बैठे, आई डोंट नो। आई मीन मैं जाफरी साहब की जो शाइनिंग है फारिग हो गई। हाँ, जाफरी साहब कोई बात करते हैं ना, सर ना पाऊं ना इधर से पकड़ा ना। अब बेचार पिस्ता देखें कितना इंटेलेक्चुअल, पिस्ते का मुकाबला मैं नहीं कर सकता, पिस्ता मेरे लेवल से बहुत ऊंची चीज है यार, वो बहुत ऊंची चीज है। हालत देखें, वो संजीदा तरीन इंसान आज आज जुगतू पर आ गया। वो अच्छा, वो उसका मंजन इस तरह बिक रहा था कि मैं हंसूंगा नहीं, अब हंस रहा है, बाजियां मार रहा है भाई, वो हंस नहीं रहा है, अब वो हंसने की कोशिश कर रहा है, वो क्या सोच रहा है कि मैं किसी तरह से हंसूं, लेकिन हंस नहीं पा रहा। तो शाकिर आप बड़ा सियाणा है, सारा चेहरा वेख। देखिए आपने पूछा मुझसे कि मैंने क्या सीखा, मैंने एक बात मुझे कल के सेशन में जाफरी साहब ने सिखाई, और उस बात का तर्जमा आप करें या कम अज कम ऑडियंस हमारी करे। जाफरी साहब ने कहा ऑडियंस हमारी जो लाइव सेशन की ऑडियंस है वो ऑडियंस बहुत पढ़ी लिखी ऑडियंस है, ये इनको गालियां नहीं देती, ये हमें गालियां देती है, यानी ऑडियंस अगर गालियां भी देती है हमें देती है। अच्छा, ये देखिए कितना अंदाजा लगाए कि इन बेचारों के पे वक्त कौन सा। 5 लाख वो सब्सक्राइबर्स वाला चैनल था, यानी ये अगर ये, एक चैनल पे 5 लाख सब्सक्राइबर हो तो उसका 1 मिलियन तो व्यूज आता है, यहाँ पे ये बेचारे चंद 100 लोग भी नहीं देखते, ऑडियंस इनकी भाग गई, क्रेडिबिलिटी इनकी गुम हो गई, सर के बाल गिर गए, शक्लें इनकी तबाह हो गई, और इस वक्त ये बिल्कुल कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। कसम पुरसी की जिंदगी तो है ये, दूसरी तरफ मेहदी कासमी छोड़ नहीं रहा, अब सोशल छोड़ रहे हैं। मेहदी कासमी साहब ने गुज़श्ता दिनों स्टेटस लगा के बताएं सर क्या वो था? बहुत खौफनाक था यार। मेहदी कासमी साहब ने वहां पर लिखा कि फेज 1 मुकम्मल हो चुका है, बच्ची मिल गई है, फेज 2 अब जो इसके पीछे जो दो गिदड़ मेरी बच्ची के पीछे थे, अब उन गिदड़ों के पीछे बंदूक लगी। मैंने आपको खबर दी थी कुछ दिन पहले कि मेहदी कासमी साहब को ऑफर की गई मावराय अदालत सेटलमेंट की। अच्छा, तब बच्ची चाइल्ड प्रोटेक्शन में थी, उन्होंने कहा था नहीं, जब तक उन तमाम लोगों का जिन्होंने मेरी बच्ची को एक एक लम्हा भी अजाब दिया, एक एक लम्हा भी तकलीफ दी, जब तक उन लोगों का हिसाब नहीं होगा तब मैं पीछे नहीं। और कल तो उन्होंने अपने जो स्टेटस लगाया उसमें उन्होंने क्लियरली लिखा ये पाकिस्तान का मुकदमा है, ये मेरा, तो यानी कि मैं अगर दवाएं भी करूं तो अदाकारा को अब नहीं बचा सकता। लेकिन मुझे दुख है, मुझे सीरियसली तशवीश, आज मैंने बात भी की है। देखें मैं आपको ऑडियंस होने से बात बता रहा हूं, अब ये गौर से सुनिएगा यार, इख्तलाफात हैं लेकिन जो उनकी हेल्थ वाइज और अपीयरेंस वाइज वो डिटेरियोरेट कर रही हैं, डिस्टर्ब है, डिस्टर्ब है, डिप्रेशन है, एक्यूट डिप्रेशन है। और देखे ना, आप जब किसी का इस कदर दो नंबरी में साथ देंगे, बर्बाद है, इस कदर दो नंबरी में साथ देंगे, आप किसी से ये भी शो कराएंगे कि हमने 20,000 की फोटो कॉपीज करवाई है, आप एक काजू बादाम खाते रहे उनके पैसों के, आप वहां से गरम अंडे उनके पैसों के खाते रहे। आप नूर बीबी से चाय के पैसे वसूल करते रहे, आप नूर बीबी को ये कहते रहे कि बीबी ऐ तेरा कम है, असी राय बनवानी है लोगों की, असी इत्थे
लोगों का नैरेटिव बिल्ड करना है। तो जब नैरेटिव बिल्ड आप इस कदर तो नंबर नैरेटिव तो इन्होंने बिल्ड किया तभी तभी तो मामला यहां तक पहुंचे। ऑडियंस ऑडियंस जाफरी साहब को सलाम पेश करता हूं जिन्होंने कहा कि ऑडियंस समझदार है, पढ़ी लिखी है। मिलियंस व्यूज नीचे गिरे और चंद सौ पे आके रुक गए और फिर वो ही ऑडियंस थी ये। वेरी सैड, जिन्होंने ये चीज समझी, जिन्होंने अंडरस्टैंड किया कि यार एक बच्चे को अगवा किया गया है। ये टक्कर के लोग हैं, पाकिस्तान के पढ़े लिखे मिडिल क्लास है। बताए ना अगर अगवा नहीं, सर मैं आज बातचीत कर रहा था आप, सिर्फ बाकी सब छोड़े इनकी शक्लें देखें, दूसरी तरफ के लोगों की शक्लें देखें यार। आप मारिया अली को देखें, आप महरीन सिप्तान साहब, मारिया का 4 किलो खून बढ़ गया है। आप उन्हें देखें जनाब, बुशरा शकील को देखें, वो स्टारडम एंजॉय कर रही है, शी इज अ स्टार नाउ। आप यार अपने शायद हुसैन साहब को देखें, वो बेचारा फील्ड रिपोर्टिंग करता है, सुबह उठ के जाता है, वो जिस तरह ग्लो कर रहा है, जिस तरह की उसके अंदर शाइनिंग है, जिस कदर उसकी हैंडसमनेस आ रही है, क्रेडिट गोज टू जाफरी साहब, इस्लामाबाद के जनाब शाहिद सकलैन साहब। यार वो मुझों को डबल ताव देते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है, वही अच्छे लोग हैं यार, अच्छे लोग हैं, अच्छा वक्त, अच्छे लोग हैं बस, अच्छी बात है, सजा तक पहुंच जाएंगे। बस मैदिक आदमी छोड़ेगा तो नहीं, अगर किसी की बेटी के साथ आप इस तरह करते हैं, अगर आप उसको चपेड़े मारते हैं, अगर आप उसको डराते हैं, पैसे भी दिए गए ना, पैसे भी भेजेंगे जहीरे को कराची, बहुत बड़ा ये खांचा बहुत बड़ा है। एनीवेज जी, हम ऑफिस से वापिस आ रहे थे तो सोचा कि इनके बारे में क्या डिस्कशन क्या करेंगे। बखौफ आ रहा है, डर लगता है इन्हें देखकर, क्या मुझे तो ऐसा डर लग रहा था कि इन्होंने स्क्रीन के अंदर से ऐसे करके छलांग मारे भाई, और सर आप पे तपे हुए, वो लोग आप पे तपे हुए, मैं सीरियस बता रहा हूँ भाई, मैं तो आपके साथ हूँ, मैं तो मगर आपने यार ये खुदा के लिए हाथ जोड़ता हूँ, आपने ये नहीं कहना कि मुझे धमकियां आ रही हैं। मैं नहीं कहूंगा, मैं नहीं कहूँ, लेकिन आपको कहीं का असाइलम नहीं मिलेगा, मैं गारंटी देता हूँ, आप जहाँ मर्जी पासपोर्ट में 75,000 भी मेरे पास नहीं है यार, किसी एजेंट को दे। हाँ सच्ची, जो मेरे पीछे नूरा डॉक्टर है नहीं। बहरहाल ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।